Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aurat. Now, in last class, we complete a chapter as factors and multiples. Now, today we start as fraction, right? So, what is fraction? So, fraction bole to kya hai? Right? A digit which can be represented in P by Q form. Fraction, to uska definition dekhiye. What is fraction? The digits or number represented in the P by Q form, where P is called numerator and D Q is called denominator. तो definition लिखना है तो लिखो. A digit which can be represented by P by Q form, right? Where इसके आगे लिखना है आपको, where Q is not equal to zero, right? A digit which can be represented by P by Q form, where Q is not equal to zero, right? तो see here, 2/3 है, right? तो यहाँ ये जो 3 है ना, यहाँ zero नहीं रहना चाहिए, तब उसे हम fraction कहते हैं, right? जो ऊपर का नंबर है उसे हम numerator कहते हैं और नीचे के नंबर को हम denominator कहते हैं. तो सी यार, 2/3 इज ए फ्रैक्शन. इधर लिखो एग्जांपल, 2/3 इज ए फ्रैक्शन, वेर 2 इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड, तो 2 को हम न्यूमरेटर कहते हैं, एंड 3 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. वेयर 2 इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 3 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. और कैपिटल एन आर एंड कैपिटल डी आर, राइट? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो आपके बुक में डायरेक्ट एक्सरसाइज दिए सो है, राइट? तो हम थोड़ा देखे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. थोड़ा बेसिक देखिए, हम सॉल्व करेंगे, राइट? सपोज दिस इज ए सर्कल, राइट? तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4. तो शेडेड पार्ट कितने हैं? ओनली 1 है. तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/4, राइट? तो 1/4. सपोज ये भी शेडेड रहता था, समझो, तो इसे हम 2/4 लिखते थे. सपोज ए भी शेडेड रहता तो इसे हम 3/4 लिखते थे. सभी शेडेड रहते तो 4/4 और इक्वल टू 1, राइट? तो इसे डिवाइड होता है और ये भी सिंपलर फॉर्म में लिखना है तो, राइट? तो इस तरह से फिगर देख के भी आप फ्रैक्शन में लिखने के लिए आना चाहिए, राइट? नेक्स्ट वी गो टू टाइप ऑफ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन के टाइप देखो, तो टाइप्स तो आपके बुक में नहीं दिए सो है, राइट? तो आपने फोर्थ क्लास में पढ़े सो है. तो फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, तो व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शन? वेल द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, then the fraction is called proper fraction.
तो लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर when the numerator of a fraction right, when the numerator of a fraction is less than that of its denominator, when the numerator of a fraction is less than its denominator, then the fraction is called प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये सभी डेफिनेशन आपको आना चाहिए, राइट? तो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 11/15, 17/21, 19/28. तो सी है, इन ऑल केसेस द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. तो ये सभी जो न्यूमरेटर ऊपर के नंबर है वो नीचे से नंबर से छोटे हैं, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, राइट? तो सेकेंड डेफिनेशन टाइप में का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देखो, व्हेन द न्यूमरेटर of a fraction is greater than the denominator of a fraction is greater than its denominator then the fraction is called improper fraction, right? तो denominator, numerator छोटा रहा तो उसे हम improper कहते हैं, और डिनोमिनेटर से बड़ा रहा तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. तो प्रॉपर फ्रैक्शन एज वेल एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए. तो मैं एग्जांपल यहां लिखता हूं. अब यही देखो, इसका ही एग्जांपल, राइट? तो 3/2, 7/5, 15/11, 21/17 एंड सो ऑन, राइट? तो सी है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर एंड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. तो ये दोनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए. तो नेक्स्ट वी गो टू मिक्सड फ्रैक्शन. तो ओनली 3 टाइप ही देखेंगे हम. थर्ड टाइप मिक्सड फ्रैक्शन. तो सी हियर, व्हाट इज द मिक्सड? द फ्रैक्शन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड
fraction is called a mixed fraction. तो लिखो the fraction which is the combination of integer and प्रॉपर फ्रैक्शन और डायरेक्ट आप फ्रैक्शन लिखो तो भी चलेगा. फॉर एग्जाम्पल 5 2 by 8, राइट. तो सी है द फ्रैक्शन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर. तो 5 इज द इंटीजर, राइट. 5 इज द इंटीजर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन. 2 by 7 is a proper fraction. What is proper fraction? The numerator is plus than the denominators, then it is called proper fractions, right? तो ये तीनों definition आपको मालूम होना चाहिए, right? तो next bit is addition and subtraction of a fraction. तो addition as well as subtraction of a fraction कैसे करने हैं वो देखिए, right? तो इसमें दो condition आएंगे. When denominators are same, when denominators are same. तो डिनोमिनेटर सेम रहने के बाद हम एडिशन कैसे करते हैं वो देखो. तो 1 by 4 plus 2 by 4 है समझो, राइट. तो सी है तो 1 तो यहां 1 क्या है न्यूमरेटर है, 4 क्या है डिनोमिनेटर है, और यहां 2 न्यूमरेटर है एंड 4 डिनोमिनेटर है. तो इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है, दोनों 4 4 है. तो हमें क्या करना है, राइट. तो इस दोनों के बदले ओनली 1 लिखना है और यहां 1 plus 2 लिखना है, राइट. व्हेन द टू डिनोमिनेटर्स आर सेम देन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर एडेड एंड देयर एडिशन इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर. तो इन दोनों का सम करके हमें डिवाइड करना है. देखो 3 by 4 सपोज 3 by 7 plus 2 by 7 है समझो. तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो फर्स्ट डिनोमिनेटर नीचे का ओनली वंस टाइम लिखना है और न्यूमरेटर को क्या करना है ऐड करना है. 3 plus 2 is 5 by 7, राइट. तो इसमें ही सबट्रैक्शन देखो. व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम तो सबट्रैक्शन देखो 4 by 7 minus 3 by 7 है समझो, राइट. तो डिनोमिनेटर सेम है तो ओनली 1 डिनोमिनेटर लिखो और ये 4 minus 3 तो 4 minus 3 is 1 1 by 7. अगेन 5 by 9 minus 2 by 9 है, राइट. तो सी हियर द डिनोमिनेटर्स आर द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शंस आर सेम देन एड और सबट्रैक्ट द न्यूमरेटर. तो जो नीचे के नंबर सेम रहने के बाद यहां जो मिडल में साइन रहेगा वो हमें ऑपरेशन करना है यहां, राइट. तो सी हियर 9 5 minus 2 is equal to 3 by 9, राइट. तो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम देन एडिशन एज वेल एज सबट्रैक्शन ऐसे करना है आपको, राइट. तो एडिशन एज वेल एज सबट्रैक्शन व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम. When the denominators are different, तो different रहने के बाद कैसे करना है वो देखो, right? When the denominators are different, then
टेक द एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है 1/2 + 1/3 है समझो, राइट right? तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका एलसीएम निकालो, तो 2 से फर्स्ट 1, बाद में 3 से निकालो, 2 × 3 = 6, राइट एलसीएम, तो एलसीएम क्या आया 6 आया। अब इन दोनों को 6 बनाओ, 2 how much 6, 2 3 9, 3 how much 6, 3 2 3, 2 3, तो मल्टीप्लाई करो राइट, 1 3 3, 2 3 6 प्लस 1 2 2, 3 2 6। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हुए, सेम हुए, तो 6 3 + 2, तो 5/6, राइट। इस तरह से आपको व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम ऐसे, अब इसका ही सेम आप माइनस भी कर सकते हैं। अब सपोज यहां माइनस रहा समझो, राइट, तो यहां तक सब सेम आएंगे, राइट, यहां क्या होगा 1/6 होगा, राइट। तो व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम तो टेक द एलसीएम, तो एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है, तो डिनोमिनेटर इक्वल बना के आपको सेम करना है, राइट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4A, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट। तो आपके बुक में फिगर दिए सो है पेज नंबर 63 के ऊपर, आप एक बार देख के आप उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं ओनली वन क्वेश्चन करूंगा, तो ऐसा फिगर है आपके बुक में, राइट, पेज नंबर 63 के ऊपर है, आप एक बार देख के उसे देख लो, राइट। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट्स, तो टोटल कितने पार्ट्स है वो लिखना है, जो शेडेड पार्ट्स है वो ऊपर लिखना है। तो देखो 1 2 3, ओनली 3 है, अब ये टोटल कितने हैं वो लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8, राइट, 3 इज द शेडेड पार्ट, तो आउट ऑफ 8 3 आर द शेडेड पार्ट। तो ये जो 8 बॉक्स है या तो एक केक है समझो, राइट, तो एक केक में 3 पार्ट कट किए सो है, राइट, तो टोटल कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स है, और कट किए सो पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो ओनली 3, तो 3/8। इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन आप ही करो, बी कलर टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कलर करो आप, राइट, 2/3, तो नेक्स्ट सी क्वेश्चन, तो सी व्हाट इज द सी क्वेश्चन, इंसर्ट ग्रेटर देन और लेस देन इन द ब्लैंक्स,
ग्रेटर देन और लेस देन हमें वहां पुट करना है, राइट। तो 4/7 - 3/7, राइट। तो यहां देखो जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे और उनके जो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा रहेगा, राइट। तो इसे और एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, a/b and c/d, दो फ्रैक्शन है समझो, a × d करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड b × c करना है, a × d b × c, ऐसे किए तो भी आता है, राइट। अब यहां देखो 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 7 × 4 यहां ब्रैकेट सेम रखो एंड 3 × 7, 7 × 4 = 28, 3 × 4 = 21, तो 28 इज ग्रेटर देन 21, आप यहां डायरेक्ट साइन लिख सकते हैं, राइट। तो 4/7 इज ग्रेटर देन 3/7, अदरवाइज आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, डिनोमिनेटर सेम रहने के बाद यहां देखना है न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर रहेगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन रहेगा, ओके। तो रिमेनिंग आप ही सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। डी क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मैंने अभी बताया है आपको, जब डिनोमिनेटर में सेम रहेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, जो सबसे न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा रहेगा, राइट। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन लिखेंगे 11/15, 7/15, 14/15, 4/15 एंड 12/15। तो सी है एवरी फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, तो सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 15, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर बोले तो हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लिखना है, राइट। स्मॉल नंबर टू लार्ज नंबर, LKG to 10th, राइट। LKG to 10th, जो प्रेयर को ठहरते हैं, देखो आप जब सबसे छोटा हाइट जिसका रहेगा वो आगे ठहरता है, वैसे ही हाइट से लास्ट में जो सबसे क्लास में लंबा आदमी है वो ठहरता है, राइट। तो सी है इन असेंडिंग ऑर्डर लिखना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर। तो इन फ्रैक्शन में देखो सभी डिनोमिनेटर सेम है, अब इसमें सबसे छोटा जो नंबर है उसे फर्स्ट लिखना है, क्यों। तो अब यहां 14 है, यहां 12 है, तो ये जो 14 है इन सभी फ्रैक्शन में सबसे बड़ा है, तो लिखो आप यहां, लिखो 4/15 असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक 4/15, 7/15, 11/15, 12/15 एंड 14/15। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो बोले तो इसे फर्स्ट इसे लिखते थे हम, उसके बाद इसे, उसके बाद इसे, उसके बाद इसे, उसके बाद लास्ट में इसे, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर बोले तो हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लिखने के लिए आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट ई क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आप एक बार देख लो, राइट। तो ई क्वेश्चन, एड और सब्ट्रैक्ट, एड और सब्ट्रैक्ट,
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/5 प्लस 3/5, राइट। तो मैंने अभी आपको इस एक्सरसाइज से पहले ही सिखाया है एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, राइट। तो उसमें दो कंडीशन थे, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन एड और सबट्रैक्ट द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर देखो, तो 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, और सेकेंड फ्रैक्शन में 3 क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, राइट। तो सी है, टू डिनोमिनेटर्स आर सेम, द डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन एड द न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाय, तो इन दोनों के बदले 1 लेना है और 1+3 करना है, राइट। तो 1+3 is 4 और दिस 5 is 6, राइट। तो 5/4/5। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 5/9 - 1/9 है, राइट। तो सी है, अगेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन एड और सबट्रैक्ट द न्यूमरेटर। तो यहां प्लस था इसलिए मैंने प्लस लिखा है, यहां माइनस है तो -1। 5 - 1 is 4 एंड दिस इज 9। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, 11/15 - 7/15, राइट। तो यहां भी देखो, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम रहने के बाद हमें न्यूमरेटर, तो दोनों के बीच में प्लस रहा तो एडिशन करना है, माइनस रहा तो सबट्रैक्शन करना है, राइट। तो 15 11 - 7, राइट। तो 11 - 7 कितना होता है, 4 होता है, 4/15, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू एफ क्वेश्चन, तो एफ क्वेश्चन क्या है देखो, सर्कल का प्रॉपर फ्रैक्शन है, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन आना चाहिए, राइट। तो 3/8, 8/5, 10/11, 21/20, 9/9, एंड 5/18, राइट। सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सी है, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर, राइट। जो ऊपर का नंबर छोटा रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में और नीचे का नंबर इस नंबर से भी बड़ा रहेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा रहेगा, ऊपर बड़ा नंबर रहेगा, नीचे उससे छोटा नंबर रहेगा, राइट। तो सी है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर से भी छोटा रहेगा। न्यूमरेटर बोले तो ये ऊपर का नंबर, ऊपर का नंबर क्या रहेगा, नीचे से नंबर से भी छोटा रहेगा ऊपर का नंबर, राइट। तो 3/8 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, 8/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां भी देखो 10/11 है, तो 10/11 से छोटा है, राइट। 21/20, 9/9, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट 5/18, राइट। तो इस तरह से आपको प्रॉपर फ्रैक्शन एज वेल एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन एज वेल एज एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ओके। इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप, ओके। डू होमवर्क, थैंक यू।